हेलो दोस्तों, आज का प्रश्न बहुत ही खास है जो आपकी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर वन में क्या दिया है? दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? देखिए दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहीं पर है, ठीक है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया है? डी एच एल आर, ठीक है। और ऐसे प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ऐसे प्रश्न को हम इस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए, ए बी सी डी में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। और ए नंबर पे क्या पड़ता है? एक, ठीक है। बी नंबर पे दो, ठीक है। और जेड नंबर पर 26, ठीक है। आने की हमें क्या करना है कि डी एच एल आर ई किस किस नंबर पढ़ते हैं, पहले उसे लिख लेना है, उसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, डी किस नंबर पढ़ता है? चार, ठीक है। और एच किस नंबर पढ़ता है? आठ, ठीक है। और एल किस नंबर पढ़ता है? 12, ठीक है। और आर किस नंबर पढ़ता है? 18, ठीक है। तो यहाँ क्या कर लिया हमने, संख्या में कन्वर्ट कर लिए। अब क्या करेंगे? अब देखिए, इनके बीच का गैप कितने कितने का है। देखिए, यहाँ पर क्या किया है, चार में चार जोड़ दिया है तो आठ हो गया, ठीक है। फिर आठ में चार जोड़ा है कितना हो गया है? 12 हो गया, ठीक है। फिर 12 में कितना जोड़ा है कि 18 हो गया? 12 में 6 जोड़ा है तो 18 हो गया। देखिए, पहले क्या किया है, पहले दो बार चार चार जोड़ा है, ठीक है। तो दो बार 6 6 जोड़ेंगे ना, क्यों? क्योंकि देखिए, चार और चार जोड़े तो 8 हो गया, 8 में चार जोड़े तो 12 हो गया। यानी कि देखिए, दो बार चार जोड़े हैं, ठीक है। दो बार चार जोड़े हैं तो दो बार 6 ही जोड़ेंगे ना। तो अगर देखिए, 18 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। और 24 नंबर किस पर आता है ए बी सी डी में? वो आता है यक्स, किस पे? यक्स नंबर पे। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या भरा जाएगा? यक्स भरा जाएगा, ठीक है। देखिए, किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हमने क्या किया, पहले इन अक्षरों को संख्या में कन्वर्ट किया, ठीक है। फिर इनके बीच का गैप देखा, ठीक है। तो जो जो गैप आए वही वही स्टेप हमने अपनाया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यक्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न बहुत ही आसान से आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या चुनिए। क्या करना है हमें? संबंधित संख्या चुनना है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन मार्क हमारे यहीं पे दिया हुआ है, चार ऑप्शन भी दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे फटाफट सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकेंड में। देखिए दोस्तों, यफ का संबंध 216 से है, तो यल का संबंध किससे होगा, यही हमें सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, इसे क्या करना है, पहले देखिए इस इन अक्षरों को, ठीक है। इन अक्षरों को हम क्या करेंगे, पहले अंक में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, यफ अक्षर किस नंबर पड़ता है? 6 नंबर पड़ता है, ठीक है। यफ अक्षर किस नंबर पड़ता है? 6। ये किस में? ए बी सी डी में, ठीक है। जब भी ए बी सी डी में ऐसे अक्षर दिए होंगे तो हमें क्या करना होगा, यफ किस नंबर पड़ता है वही हमें ज्ञात करना होगा। देखिए, यफ 6 नंबर पड़ता है, तो यफ 6 नंबर का पड़ता है तो हम 6 का क्या करें, 6 का क्या करें कि यहाँ पर 216 आ जाए। देखिए, अगर 6 का हम वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आएगा। अगर हम 36 आएगा, ठीक है, अगर हम 6 का घन कर देते हैं तो कितना आएगा? देखिए, 6 गुने 6 गुने 6 तो कितना आ जाएगा, 6 6 36, और 36 6 का 216 कितना आएगा, 36 6 के 216। देखिए, यहाँ पर आ गया 16। यानी कि क्या किया है, इस अक्षर को संख्या में कन्वर्ट किया और इसका घन कर दिया है, तो हमारी संख्या आ गई है, इसका संबंध प्राप्त हो गया 216 से। अब उसी प्रकार क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, यल यल किस नंबर पड़ता है, वो पड़ता है 12, ठीक है। अगर हम 12 का भी घन कर दें तो क्या हो जाएगा, 12 का घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 गुने 12 गुने 12, ठीक है। 12 गुने 12 गुने 12, यानी कि 12 बराबर कितना होता है, 144 होता है, ठीक है। और 144 में अगर हम 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1728। कितना आ जाएगा, 1728। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 1728, ठीक है, 1728। देखिए, किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। देखिए, हमने क्या किया, पहले इन अक्षरों को संख्या में कन्वर्ट किया और इनका घन कर दिया, तो हमारी संबंध प्राप्त हो गया, ठीक है। हमारा संबंध प्राप्त हो गया तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ गया, 1728। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 1728 आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको बहुत ही आसान से समझ में आ गए होंगे। अगर ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आप लोग बहुत ही आसान से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नंबर तीसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया है, दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर चुनिए। क्या करना है इसमें, हमें संबंधित अक्षर चुनना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क हमारा यहीं पर है, ठीक है, इसी को हमें सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो चलिए दोस्तों हम इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया है, CART, ठीक है, CART का संबंध ART से है, ठीक है, CART का संबंध ART से है, ठीक है, तो FOUR का संबंध किससे होगा, यही हमें सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें क्या किया है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसमें क्या किया है, देखिए इसमें क्या किया है, सी को छोड़ दिया है, बस सी को छोड़ दिया है और ART लिख दिया है, ठीक है, सी को हटा के ART लिख दिया है, तो यानी कि हमारा संबंध प्राप्त हो गया, ठीक है। अब उसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें F को हटा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, OUR, क्या प्राप्त हो जाएगा, OUR, देखिए किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर B में दिया है, तो ऑप्शन नंबर B हमारा सही हो जाएगा। देखिए इसमें जब सी को हटाएं तो ART मिल गया, ठीक है, और उसी तरह हमने F को हटाया तो OUR मिल गया, तो ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है OUR, तो ऑप्शन नंबर B हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही आसान समझ में आ गया होगा, तो चलिए दोस्तों चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर चार देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चार में क्या दिए गए प्रश्न में अगला क्रम कौन सा आएगा, देखिए दोस्तों प्रश्न हमारा यही है, ठीक है, 6, 14, 30, ठीक है, यही हमें इसके आगे कौन सा क्रम आएगा वही हमें सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, यह जिस प्रकार से सॉल्व होगा उसी प्रकार से इनमें से कोई एक ऑप्शन को हमें सॉल्व करना है, जो ऑप्शन इस प्रकार सॉल्व हो जाएगा वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या करेंगे, 6 दिया है, 14 दिया है, 6 का हम क्या करें कि 14 आ जाए और 14 का हम क्या करें कि 30 आ जाए। देखिए 6 में अगर हम 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 में हम क्या 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, 6 में 2 से गुना किया तो कितना आ गया, 12 आ गया, और 12 हमने 2 से जोड़ दिया, ठीक है, 12 हमने 2 से जोड़ दिया तो 14 आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार हम 14 में क्या करेंगे, 14 में 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, और 28 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी कि हमें संबंध मिल गया, ठीक है। देखिए 6 का 14 हो गया, 14 का 20, 6 में हमने 2 से गुना किया तो और 2 जोड़ दिया 14 आ गया, 14 में हमने 2 से गुना किया और 2 जोड़ दिया 30 आ गया। देखिए आप इसी प्रकार इन सभी ऑप्शनों को सॉल्व करेंगे, जो ऑप्शन इसमें से हमारा इस स्टेप को फॉलो करेगा वही स्टेप हम सब में आने की वही स्टेप हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं, देखिए पहले ऑप्शन सॉल्व करते हैं, देखिए 4 दिया है और 16 दिया है, देखिए 4 में हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 8 में हम 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 10, तो यहाँ पर कितना दिया है, 16, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत, ठीक है। अब बी वाले को सॉल्व करते हैं, देखिए 5 दिया है, ठीक है, 5 दिया है और 12 दिया है और 22 दिया है, ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 12, यानी कि 12 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 12 में हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 22, यानी कि ये भी स्टेप गलत है, ठीक है। अब तीसरे स्टेप को सॉल्व करते हैं, देखिए इसमें क्या क्या, 6 से 2 से गुना किया करेगा, 6 से 2 से गुणा करेगा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, डायरेक्ट 12 आ जाएगा, हमें क्या करना है, इसमें 2 जोड़ना भी है, तो ये भी स्टेप गलत है। अब देखिए दोस्तों एक ही स्टेप बताया ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं, देखिए 5 में हम 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 10, और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, देखिए यहाँ पर 12 आ गया। अब 12 में हम 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और 24 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ठीक है। देखिए जो स्टेप हमने सब में यही स्टेप हमने सब में फॉलो करते चले गए, तो ऑप्शन नंबर डी में ये स्टेप फॉलो हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको बहुत ही आसान समझ में आ गए होंगे, तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षरों के समूह को ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों लुप्त संख्या हमारे यहीं पर है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और ऐसे प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं, तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, E10H22K38, ठीक है, और खाली स्थान, इसी को हमें सॉल्व करना है। देखिए पहले हम इस अंक को ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद अक्षर को ज्ञात करेंगे। देखिए क्या किया, 10 में क्या जोड़ा, 10 में 12 जोड़ा है तो 22 हो गया, ठीक है, और 22 में क्या जोड़ा, 22 में 16 जोड़ा है
तो 38 हो गया है, ठीक है। यानी कि इसके बीच का गैप कितना है, 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब 38 में हम यहाँ कितना जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि इनके बीच का गैप कितना होना चाहिए, 4। तो देखिए यहाँ पर इनके बीच का गैप कितना हो रहा है, 4, ठीक है। तो अब हम अगर देखिए, अगर हम 38 में अगर हम 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 58, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला स्टेप सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, अक्षर वाला स्टेप सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, इन अक्षरों को अंक में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए ई किस नंबर पड़ता है, 5, ठीक है, और एच 8 नंबर पर, किस नंबर पर, 8 नंबर पड़ता है, ठीक है, और के 11 नंबर पर। देखिए ई 5 नंबर पड़ता है और यच 8 नंबर पड़ता है, के 11 नंबर पड़ता है। देखिए 5 में क्या जोड़ा है, 5 में 3 जोड़ा है, तो कितना हो गया है, 5 में 3 जोड़ा है तो 8 हो गया है, ठीक है। और फिर 8 में 3 जोड़ा है तो कितना हो गया है, 11 हो गया है। यानी कि सब में 11 जोड़ता आया है, तो हम क्या करेंगे, 11 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14, कितना आ जाएगा, 14। 14 किस नंबर पड़ता है, यन यन नंबर पड़ता है, यानी कितना आ जाएगा, यन 58, कितना आ जाएगा, यन 58। देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों पहले हमने क्या किया, पहले हम इन अंक को सॉल्व किया, उसके बाद इन अक्षरों को सॉल्व किया, तो हमारा ऑप्शन आ गया डी, ठीक है, ऑप्शन आ गया डी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। और क्या खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा, यन 58, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पाँचों प्रश्न बहुत ही आसान से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये सभी प्रश्न आपको बहुत ही पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही।